अब यहाँ पर देखिए हमारा दूसरा पद है, इसको मैं पढ़ती हूँ। जगन्नाथ जी ने जो लिखा है, कान्ह दूत कैंधो ब्रह्म दूत हवे पधारे आप, धरे प्रण फेरन कोमति ब्रजवारी की, कह रत ना कर पै प्रीति रीति जानत ना, ठानत अनीति यानी नीति लय अनारी की। मान्यो हम कान ब्रह्म एक ही कहो जो तुम, तहु हमें भावती न भावना अन्यारी की। जय है बनी बिगरी न बारिधि ता बारिधि की, बुद्ध ता बिलह बुद्ध विवस विचारी की। एक बार फिर से देखिए, कान दूत कैंधो ब्रह्म दूत हवे पधारे आप, धारे प्रण फेरन को मति ब्रज बारी की, कह रत ना कर पे प्रीति रीति जानत ना, ठानत अनीति यानी नीति है लयनारी की। मान्यो हम कान ब्रह्म एक ही कहो जो तुम, तहु हमें भावती ना भावना अन्यारी की। जय है बनी बिगरी न बारिधिता बारिधि की, बूंदता बिलह बूंद विबस बिचारी की। कितना सुंदर लिखा है यहाँ पर जगन्नाथ जी ने। यहाँ पर देखिए, जब उद्धव जी पधारे हुए हैं और इस पद में जो है उद्धव जी का प्रत्युत्तर जो है गोपियों के कथन का वर्णन किया है कि वो गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम ब्रज की कन्याओं की बुद्धि को फेरने की प्रतिज्ञा करके आए हो। कान्ह दूत कैधो ब्रह्म दूत हाउ पधारे आप, आप कहते तो हैं कि आप कान्हा के दूत हैं, लेकिन आप बन कर आए हैं ब्रह्मा के दूत। ऐसा क्यों है? क्योंकि धरे प्रण फेरन को मति ब्रज बारी की, आप जो है तुम ब्रज की कन्याओं की बुद्धि, मति मतलब बुद्धि, फेरन को मतलब फेरने के लिए, प्रण मतलब प्रतिज्ञा, आप प्रतिज्ञा करके आए हो कि ब्रज की कन्याओं की बुद्धि को फेर दोगे। क्योंकि आप तो ब्रह्मा की बात कर रहे हो, आप तो कान्हा की बात कर ही नहीं रहे हो। आप जो है कान्हा के दूत तो हो, लेकिन आप ब्रह्मा के दूत जैसा व्यवहार कर रहे हो। आगे कहते हैं, कह रत ना कर पै प्रीति रीति जानत ना, ठानत अनीति आनी नीति ले अनारी की। आगे गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि तुम तो प्रीति की रीति भी नहीं जानते, पै प्रीति रीति जानत ना, इसलिए ठानत अनीति यानी नीति ले अनारी। अनारी मतलब अनाड़ी, जो थोड़ा पागल हो, जिसको मूर्ख बनाया जा सके। अनाड़ियों की नीत अपना कर हम सबके साथ अन्याय कर रहे हो। मान्यो हम कान ब्रह्म एक ही कहो जो तुम, मतलब यहाँ पर क्या है कि आप ऐसी बातें कर रहे हैं जो हमें अच्छी नहीं लग रही हैं। ठानत, आपने तो ठान लिया है कि आप अनीति की बात करेंगे। तुम नारी के हृदय के अनुकूल प्रेम की बातें नहीं कर रहे हो, आप तो योग की बातें बताकर हमें, हमारे साथ अन्याय कर रहे हो। देखो, कान है, मानो हम कान ब्रह्म एक ही कहो जो, हम मानते हैं कि कान्हा और ब्रह्मा सब एक ही हैं। आप जो कहते हैं कि कान्हा जी और ब्रह्मा जी सब एक है, तो हम आपकी ये बात मानते हैं। तो हूँ हमें भावती न भावना अन्यारी की, लेकिन फिर भी गोपियाँ कहती हैं कि यदि आपकी बात मान भी ली जाए कि श्री कृष्ण और ब्रह्मा एक ही हैं, किंतु यह सच है कि हमें आपकी भावना रुचिकर नहीं लगती, हमें आपकी ये बात अच्छी नहीं लगती। हम सब अपनी मन की भावनाओं को, अपने मन के विचारों को कैसे दबाएं, उसका हनन कैसे कर सकते हैं। आगे देखिए क्या है, जह बनी बिगरी न बारिदिता बारिधि की। यहाँ पे बारिधि मतलब समुद्र की है और बारिदिता मतलब समुद्रता होता है। तो यहाँ पे कहती कि सागर और जल की बूंद में कोई अंतर नहीं होता है। सागर का बूंद भी पानी होता है और जल का बूंद भी पानी होता है, किंतु समुद्र में मिलकर जह बनी बिगरी ना बारिदिता बारिदि की, किंतु समुद्र में मिलकर बूंद का अस्तित्व खत्म हो जाता है। जब कोई पानी का एक बूंद समुद्र में मिलेगा तो वो बूंद कहाँ रह गया, अब वो भी सागर हो गया। यदि हम अपनी सत्ता को ब्रह्म में डाल देंगे तो जल की जो बूंद, हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। हम तो जल की बूंद के समान है और हमारा तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए हे उद्धव, आपके ज्ञान
और योग द्वारा मुक्ति प्राप्त करने की अपेक्षा हम श्री कृष्ण को ही अपना श्रेयकर समझते हैं, हम उनकी ही पूजा करना अच्छा समझते हैं। तो इस तरीके से जो है ये दूसरे पद का अर्थ कंप्लीट होता है। आते हैं हम तीसरे पद पर। तीसरे पद में क्या दिया है एक बार मैं रीड कर देती हूँ, देखिए। धाई जीत तीत में विदाई है तो उद्धव की, गोपी भरी आरती संहारती न सासुरी, कहे रतनाकर मयूर पच्छ को लिए को गुंज अंजनी उमा है प्रेम आसुरी, भाव भरी को लिए रुचिर सजाव दही को मही मंजुदाबी दल कति पासुरी, पीत पट नंद जसुमति नवनीत नयो कीरति कुमारी सुर बारी दई बासुरी। अब यहाँ पे इस पद में जो है जो उद्धव जी आए थे इतने दिन से, अब यहाँ से ब्रज से वो विदा हो रहे हैं, अब वो ब्रज से जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो जब वो जा रहे हैं तो उद्धव जी की विदाई के लिए जो गोपियाँ हैं यहाँ पर, धाई जीत तीत तय विदाई है तो उद्धव की, मतलब जब विदाई हो रही है उद्धव की तो वो जहाँ हैं इधर उधर सब दौड़ पड़ी हैं। धाई मतलब दौड़ना, जीत तीत इधर उधर से उद्धव की विदाई के लिए। गोपी भरी आरती संहारती ने सासुरी, अब वो उनकी हृदय जो है दर्द से वेदना से भरा हुआ है और उनकी सांसें भी संभल नहीं रही हैं। सासुरी मतलब सांस, उनकी सांस संहारती न सासुरी, उनकी सांस संभल नहीं रही है, उनको इतना अंदर से तकलीफ़ हो रहा है, दर्द हो रहा है, उनको इतनी वेदना है कि उनकी सांसें भी संभल नहीं रही हैं। फिर आगे कवि कहते हैं कि कह रतनाकर मयूर पक्ष को लिए, कि कोई मोर का पंख लिए खड़ी हैं, को गुंज अंजलि उमा है प्रेम आसुरी, तो कोई अपने उमड़ते हुए प्रेम के आंसुओं के साथ अंजुरी में घुंघचिया लिए खड़ी थी, भाव भरी कोई लिए रुचि रे सजाव दही, कोई अपने भाव में विह्वल होकर मीठा और रुचिकर मतलब बहुत सुंदर सजावट युक्त दही लिए हुए खड़ी थी, अको मही मन जुदाबी दल कति पासुरी। अब यहाँ पे देखिए कितना सुंदर लिखा है कि कोई दही लिए हुए तो कोई अपनी धड़कती पसलियों में मतलब दलकति पासुरी, मतलब जब दिल धक धक करता है, जब कोई आता है बहुत खुश होते हैं या कोई जाता है, तो जब बहुत आदमी तकलीफ़ में रहता है तो उसका हृदय गति जो है बढ़ जाती है, तो पसलियों में ये अपनी धड़कनों को दबाते हुए, दा भी दलकति पासुरी, अपने धड़कन को दबा कर कोह मही मन जुलिए और सुंदर छाछ लाई थी, कोई सुंदर छाछ लाई हुई है, नंद जी के आपने लाडले पुत्र के लिए, पीट पट नंद जसुमती नवनीत नयो, पीट पट मतलब नंद और जी अपने पुत्र के लिए पीताम्बर लाए हैं, पीट पट मतलब पीताम्बर पीला वस्त्र लाए हैं, और माँ यशोदा ने ताज़ा मक्खन जसुमती नवनीत नयो मक्खन बनाया है, कीरति कुमारी सुर बारी दई बासुरी, और कीरत कुमारी मतलब राधा जी ने उपहार में श्री कृष्ण जी के लिए एक सुर बरी दई बासुरी मतलब एक सुरीली बासुरी दिया है। तो इस तरीके से सब लोग कृष्ण जी की एक तरह से विदाई के लिए कुछ न कुछ उपहार लेकर आए हुए हैं और अपनी मन की पीड़ा को दबाते हुए उद्धव जी को भेंट कर रहे हैं कि आप जाएंगे और कृष्ण जी को ये सब चीज़ें देंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।